बातें रतन देवाशी जी ने बहुत मान के कह दिया आपको, सारी बातें विकार की बिगड़ दी और सरकार बदलने पे जो अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो रहा है गरीबों के साथ में, उस पर भी प्रकाश डाल दिया उदाहरण के साथ में, उदाहरण के साथ में। तो मैं बड़ा बड़ा सोच रहा था कि रतन देवाशी का जो सिलेक्शन जो है, आज़ादी के बाद में पहली बार कोई देवाशी ने टिकट में दियो, इन्हें रतन देवाशी ने 2003 के बाद, तीन महीने। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि मारो सिलेक्शन जी को है वो ठीक हो, चाहे रतन देवाशी हो, चाहे समरजीत सिंह जी हो, चाहे वो सेम लोडा हो, जगह जगह जो हमारे बस चली आओ, क्यों मैं खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और बाद में मुख्यमंत्री बन गया, आपका आशीर्वाद हूँ। तीन बार मुख्यमंत्री रहे मैं, तीन बार बनना बहुत मुश्किल काम है। और मैं मीटिंग में आजकल क्यों ला गया हूँ भाई, मैं तो क्योंकि जाति के जाऊँ मुख्यमंत्री बना करें कि जाति रहा 30 MLA एक जाति रहा दो मुख्यमंत्री बना दो, 40 बना दो, 50 बना दो, पर मानी जाती रहो एक ही MLA है विधानसभा में मैंने, और वो एक MLA है, एक MLA वो खुद मैं खुद ही हूँ। तो आप सोचो MLA एक और वो मैं खुद ही, क्यों मतलब उन्हें बाद में ही 36 को हम साथ नहीं दे मारो राजस्थान में, आप 5 साल पूरा नहीं कर सको, बन तो सको, सोनिया गांधी बना दे आपने, राहुल गांधी बना दे, इंदिरा गांधी बना दे, अलग बात है, पर बनने बाद में आप अगर 5-5 साल निकाल दो, 3-3 बार, इन बार तो सरकार गिरा लिया है, आप आशीर्वाद दूँ 5 साल सरकार चला ली, पूरे हिंदुस्तान में तारीफ पूरी राजस्थान ली, 5 साल सरकार चल गई, लोगों ने उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक नंबर और नंबर दो जो दिल्ली में है, नंबर एक नंबर दो समझ गया बताइए, वे राज कर रिया गुजरात है, 2 नंबर 1 नंबर 2 राज वे कर रिया है, बाकी MLA मंत्री तो ढोली घोड़ा है, कोई उन्हें पूछ ही नहीं रिया, मैंने कोई नहीं पूछे मैंने ढोली घोड़ा, मतलब कोई ढोलिया वास्ते में नहीं कह रही हूँ, ढोली जाति तो बहुत सम्मानित जाति है, कहावत तेरी बता रही हूँ मैं आपने, वो नहीं चल नहीं रही वहां पर। आप बताओ देवरी पटेल साहब पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता था क्योंकि डर लागे एक नंबर दो नंबर हो, पता नहीं नाराज नहीं हो जाए। तो लोकतंत्र में बात अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में जो सफल जमा मान लो प्रधानमंत्री पद रही, मुख्यमंत्री पद रही, MLA MP सभी शपथ लिया करें, शपथ लिया बाद में जो कानून डॉक्टर अम्बेडकर साहब रो है संविधान, उन्हें अंतर्गत अधिकार मिल जावे MLA ने, MP ने, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, तो जो अधिकार मारो आगे शपथ लिया बाद में कम से कम उन तो मैं निभा सकूं, उनमें डरने की बात रही है। इन वास्ते बातें करनी बहुत सारी है, क्योंकि बातें बहुत कह दी रतन ने, और मारो जो गलो खराब है आवाज भी गोलियां और एंटीबॉडी ले ले काम चला रही हूँ, क्योंकि मीटिंग आज भी है कल भी है, राहुल गांधी आ रहा है अनूपगढ़ में, नए जिलों में वो भी, और वो आ रही है फलोदी में, आ रही है फलोदी में आ रही है, 14 तारीख आपने प्रियंका गांधी आ रही है आपने भीनमाल में 14 तारीख में आ रही है, आप सब ने न्यो तो है, आप सब रतन देवाशी इंतजाम करी, आप सब लोग पधार दो भीनमाल में, मीटिंग ऐतिहासिक होनी चाहिए, प्रियंका गांधी देख ले वे कि जो भीनमाल और सांचो रानीवाड़ा जालोर आहोर और सिरोही जिला लोग इतनी भारी तादाद में आना चाहिए कि लागे कि राजस्थान वाला कितो प्यार कितो स्नेह कितो विश्वास रखे गांधी परिवार आते हैं। गांधी परिवार आपने मालूम हो गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव हार गई ही, सांचौर में किसान सम्मेलन चल रही हो और बटे इंदिरा गांधी ने कोई बुराई कर दी, तो आप लोगों को कई बेटे होला उनके मुझे पता नहीं बैठा नहीं बैठा है, कल मैंने मिले बैठे सांचौर में रघुनाथ जी विश्व मैंने कहता है कि जो इंदिरा गांधी ने खिलाफत करी और लोग सब खड़ा हो गया बोलने नहीं दिया, उन्होंने इतना पक्का कांग्रेस ही आप रहने वाला
और सांचोरा और बीनमाला रहे हैं लोग बाग जो मन इन बात एहसास है। रघुनाथ जी विष्णुदास नहीं है, हमारा लड़का नरेंद्र जी बैठा है ये जानता वाला, मैं उन टाइम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, शिवचर माथुरी मुख्यमंत्री बनाया गया सेकंड है दूसरी बार है, तो मैं भी रघुनाथ जी विष्णु जी सिफारिश करी मंत्री बनने वास्ते, क्योंकि मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हूँ भी मंत्री बन गया। तो मैं आपने कह रही रघुनाथ जी विष्णु साहब कहे बटे क्योंकि पहली बार मंत्री बने हुए पूर्ण नेता हाँ बलदेवराम मिर्जा जी ने वक्त निबंधित नेता आज़ादी के जंग में भाग लिया, आज़ादी पहला नेता बड़ा नेता भी बहुत भले आदमी थे वो। तो मैं क्या भाई कि मारे कम से कम पहली बार मंत्री बने हो, मारा अशोक गहलोत और शिवचंद माथुर ने मारा हाथ पीड़ा कर दिया और पर मैं बीमार रहा हमारे बॉम्बे में, मैंने बीमार थे ना बॉम्बे में, तो मैं मिलने गया बॉम्बे हॉस्पिटल में, बहुत खुश था आके वे चले गए। खैर बात लंबी है, मैंने खुशी एक रतन देवासी रतन अपना देवासी तो ही है और नीरज डांगी जी भी नौजवान हैं, उन्होंने मुको राज्यसभा में मिलना बहुत बड़ी बात है। हमारे सोनिया गांधी जी भी राजस्थान में, अब नीरज डांगी जी सोनिया गांधी करने बैठे बैठे राज्यसभा में, सोनिया गांधी जी भी राजस्थान जीतने गई है राज्यसभा में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी वही राजस्थान जीतने गया, उन्होंने परसों टर्म खत्म हो है क्यों, मतलब बहुत बड़ा पद है वो जिनको राजस्थान में अपने दलित वर्ग के नौजवान ने मिली हो बटे। इस प्रकार जहाँ बस चलिए अपन हो बटे में कमी नहीं रखी, राजस्थान भर में नौजवान लोग आगे की करावे और कोशिश करी और कामयाबी हो, लोग कामयाबी है, चुनाव हारना जीतना अलग बात है। अब रतन देवा जी देखो आप कितना संघर्ष करते करते आज नेता तो बन गया, नहीं बन गया नेता बन गया है, मैं भी चुनाव पहले हार गई हूँ जनी नेता बनी हो, तो क्यों मतलब ये है पिछली बार वैभव गहलोत चुनाव हार गई रुतुर हूँ, हार जीते अलग बात है, तो आप लोग आशीर्वाद हो ही तो वैभव गहलोत नौजवान है पढ़े लिखे है, आप लोग आशीर्वाद आकांक्षी है और सोच समझ जालो और सिरोही क्षेत्र चुनियो है, पिछली बार भी आप लोगों की इच्छा एक वो जालो सिरोही आदर्श चुनाव लड़ना था, कई लोग आया जयपुर तक आया मांग भी करी, पिछली बार जोग बैठियो नहीं हो जोधपुर लड़ लियो, इन बार जोग बैठो है जालो सिरोही। अब आप निश्चिंत रहो कि वो तो रतन देवासी और जितने ही माने समरजीत सिंह जी हैं चाहे वो नेता अपना जालोरा है सुखराम जी विष्णु साहब है सेम लोडा जी है कोहली जी है बैठे सब जितने ही अपने एमएलए बन गया या नहीं बन पाया सब लोग वो सहयोग ले पड़ो उन अनुभव और लाभ उठाए वो खुद भी, और मैं खुद भी आप वादों करूँ चुनाव के बाद में भी मारो संपर्क आप जिन जीवित रहेला आप मैं क्या नहीं चाहूँ रतन देवाजी जी से बातें कही तुम्हारा फर्ज बने कि पूरी ताकत अटारा माना एमएलए ने कैंडिडेट था उन्होंने मारो मारो पूरे सहयोग के साथ रहेला, और जयपुर में भी आप लोगों वास्ते हमेशा दरवाजा खुला रहेला, जो जोधपुर वाला वास्ते रहे खुला जालोर श्री वाला वास्ते खुला रहेला वो भी मैं कहने जाऊँ, जब एक बार क्षेत्र चुन लियो 42 साल पहले मैं एमपी बनी हूँ बटे जोधपुर हूँ, 5 बार मैं एमपी बनी हूँ जोधपुर हूँ, और वाले जनता ने बता ली भाई किन ढंगों वहाँ बटे काम करियो, पानी से ट्रेन आती पहली आज पानी लबाला भरेड़ो बटे है, रेलगाड़ियाँ दो चलती ही दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट आज इतनी गाड़ी चले मुझे नहीं मालूम, ब्रॉडगेज बन गई आराम हो गया, तो ट्रेनरी बात हो नेशनल हाईवे की बात हो सरकारी बात हो स्वच्छता की बात हो 5-6 विश्वविद्यालय बन गया, आयुर्वेद विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में पहला मैं बनाया बटे जोधपुर में, तो आप सोच सको कि पुलिस यूनिवर्सिटी बना दी बटे, अब आप मैंने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और बना रहे हैं बटे, तो क्यों मतलब एम चाहिए बटे
इलाज वास्ते दिल्ली एम्स है, बड़े एम्स जोधपुर में आ गई हो, IIT आ गई जो पंडित नेहरू बनाई थी, आज़ादी के बाद में 6 बनाई थी, वो बेटा आ गई हो। तो मैं चाहूँ जालो शरीर विकास में मैं नहीं भागीदार बना, वहाँ सब लोग मिल पड़ा, क्या क्या संभावना है इन वास्ते पूछ रहे हैं अपने MLA साहब ने सबने, भाई बताओ आपने क्षेत्र में क्या क्या समस्या पहली लिख देता जनता ने, भाई वैभव गहलोत लिख दे भाई ए वादा मैं करने चाहूँ जो मैंने मालूम पड़िया है अटे काम है डालो शुरू है कहने, तो एक नाल घोषणा पत्र जारी करना चाहूँ आप इन ढंगों में चाहूँ कि अपना इन क्षेत्रों में विकास चाहे सिंचाई की बात हो, नर्मदा पानी आएगी हो, फवारे खेती हो रही है वो भी मैं ही पहले आप लो और मैंने शिलान्यास में ही करी उन टाइम अटे कमला जी भी आई उन टाइम जो बेनीवाली जी को हमारी मंत्री थी, तो कहना मतलब है कि कोई कमी रखी नहीं आप कि उन्हें पानी लाया थे जालोर तक सिंचाई होने लगी, अब जवाहर पानी है पुनर्भरण योजना बनाई, हाँ फिर बांसवाड़ों बांध रो पानी की करा सके, मैंने सर्वे करवाने वाले आदेश दे दिया बार सरकार गई पर अलग बात है, पर इतना काम किया पेंशन का काम हो चाहे वो 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसान वास्ते, 2000 इकाई फ्री कर दी बिजली दी, 100 यूनिट बिजली फ्री करी उपभोक्ता हो रही, 1 करोड़ लोगों का बिल जीरो आ रही है, बिजली का बिल जीरो बिल आता है, अन्नपूर्णा किट दिया मैं गरीबों वास्ते, खाने पीना तेल और दालें शक्कर सब थी उनमें, सरकार थी उन्हें बंद कर दिया, फूड लगोड़ी मुख्यमंत्री मारी फूड लगोड़ी ही, तो मैं कहा मुख्यमंत्री जी सरकार बदल गई आप मारी फोटो बदल थानी फोटो लगा देता, स्कीम बंद क्यों की हो, स्कीम बंद क्यों की है, गरीबों ने किट मिलते हो भोजन सामग्री मिलती, महंगाई रो जमानो है राहुल गांधी की यात्रा थी जो भारत जोड़ो यात्रा आई तो बात थी, महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है नौजवान वास्ते, गरीब अमीर बीच में खाई बढ़ती जा रही है, और अपने प्रेम भाव उड़ेड़ो चीज आपस में समाज में यही तो बात कह रहा है भाई, अब तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो लिया है, 5 गारंटी दिए 25 गारंटी दिए 5 न्याय की बात करी है, परसों जयपुर में 3 दिन पहले सोनिया गांधी जी आई खड़गे साहब आया एक घोषणा पत्र जारी करियो, थोड़ा डर भी लग रही है कि जो मोदी जी का जो व्यवहार है ED इनकम टैक्स CBI भेजपरा अब रतन जी कह रहे चूंटिया बनी बात कर रहे हैं, ये छोटा मोटा चूंटिया था सेंड कर ले वहाँ ED वाला चूंटियो बड़ो चूंटियो है ED रो चूंटियो इनकम टैक्स चूंटियो और CBI चूंटियो इन ढंगों भर दिया है कि आपने बम्बई ने मैंने महाराष्ट्र बड़ा गृह मंत्री जेल में पुलिस कमी ने भाग्य खुद ही कितना हिंदुस्तान में दो दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुआ है केजरीवाल जी और हेमंत साहब, बताइए आप झारखंड का मुख्य दो जेल में मुख्यमंत्री ये चूटिया बरबर भेज रहा है, तो भाई खतरनाक मामला है, ये चुनाव हो सकते लास्ट चुनाव हो, ये चुनाव अधिकार दिए महात्मा गांधी पंडित नेहरू सरदार पटेल मौलाना आजाद और डॉक्टर अंबेडकर संविधान इन बात मीटिंग कर रही है, हाथ जोड़ रहे हैं आशीर्वाद मांग लिया पहला हाथ लगावा बूढ़ा आदमी भी आशीर्वाद हो मैंने वो मान सम्मान दलित वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो किसान हो प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री MLA MP सरपंच ने हाथ लगाना पड़े पहला वोटर राज है इन राज ने काम लगना जरूरी है मान करो मान सम्मान है जिंदु लोकतंत्र खत्म हो जाए ना मीटिंग होवेला रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हो गए नाम मात्र रहा सरकार खुद ही तय करे भाई और जीतना चाहिए तो वो जीते आयस्ती जो है बड़े उन मुल्क ने मैंने वो अपन जमा नहीं हो गए पाकिस्तान में आयस्ती बनी हमारे तो 70 साल में इंदिरा गांधी जान दे दी आपरी पर खालिस्तान नहीं बन दी छत्तीस गोले लागी छी इंदिरा गांधी मरने पहले कहो मने ही कहो मैं उन्होंने मंत्री हो नाते कि मारी जान जा सके पर वह उड़ीसा में कहो कि हो सके तो मारी जान जा सके
अगर हमारी जान गई तो हमारे खून रो के कतरों देश ने मजबूती प्रदान करे ला कही इंदिरा गांधी कही। आप सोच सको अब तो है कांग्रेस है राजीव गांधी शहीद हो गया देश के वास्ते। आजादी पहले भी जेल में बंद रहे पंडित दस दस साल गिने गए जेल बंद रहना दस दस साल जेल बंद रहे लोग और उन्होंने कोई नाम ले ही नहीं रहा मोदी जी वगैरह। तो मैंने मोदी जी बोली अपने काम करे कोई मतलब नहीं है धर्म नाम से राजनीति कर लिया है क्या आप राम भक्त नहीं आ कहीं आप बताओ। उन जमाने बलदेव राम मिर्जा राम लागतो नहीं लागतो परस राम मदेरना राम लागतो नहीं लागतो बद्दी राम जाखड़ राम है कि नहीं है एमपी बन गए भी एक बार पाली हूँ। तो राम भगत आप और ये राम भगत नहीं है वे राम मत कब्जो कर लियो है आपने मन सोचो बड़े ना वोटा राजनीति वास्ते आप राम को नाम ले लिया हो अब अच्छी बात नहीं है। और लोग डर ला गया है मोदी जी भारी बहुमत जीत गया तो बाद में चुनाव भी होला कि नहीं होला कोई नहीं जाने मत बहुत चिंता लागू नहीं माना सबने पूरा देश ने चिंतित है पूरा देश चिंतित है और मीडिया इतना डरो है कि वो दिखा नहीं रही आपने खाली जो टेलीफोन वाले मोबाइल वाले मीडिया है वो खाली देखा हुआ है कि कहीं हो जाए देश से मैंने क्यों ना मतलब तो ये मारो कि बातें बहुत सारी है पर आपने निवेदन करूँ मैं कि भाई बस चलियो बटे मैं कोई कमी रखी नहीं मारवाड़ो इलाको है जालोर सिरोही रो माओ सब जगह ठीक है बाड़मेर भी कांग्रेस जीत सके बटे जीत रही है उमेद राम जी बेनीवाल खड़ा है बटे संगीता बेनीवाल खड़ी है पालियों बटे वैभव गहलोत है जोधपुर करण सिंह मुचियाड़ा जी है नागौर में हनुमान बेनीवाल है। तो टिकट भी मांडन दिया सबने रास्ता बने टिकट अच्छा मिल गया कांग्रेस से मैं अच्छा मिल गया उम्मीद करा इन बार जो है पिछली बार तो 25-0 हो गया वहां नौबत नहीं आने चाहिए चाहे हमारी सरकार नहीं बनी झूठ बोल बोल रहे जीत लिया चुनाव हिंदू को 5 लाख दिए मुसलमान को 50 लाख दे दिए इतने झूठ बोले प्रधानमंत्री खुद कन्हैयालाल का मर्डर हो गया उदयपुर के अंदर उन्हें मैं खुद उन्हें घरे गया चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस साथ में 50 लाख पहली बार दिया आजादी के बाद बटमा 2% नौकरी लगा दी परिवार खुश है और झूठ बोलने फैला दिए अफवाह फैला दी कि मैंने 5 लाख ही दिया उन्हें तो दो ही मुलजी मैंने पकड़े 2 घंटे में पकड़े मान लो भी भाग गया तो नेपाल तो कहीं हो तो और केस ले लियो दिल्ली वाला ले लियो केस आज तक फैसला तो नहीं हो पाया माना कहीं केस हो तो हो सकता मैंने 5 लाख तो आजीवन कारावास होती फैसला हो जाता अभी तक इसलिए खाली तो ही आपने कहना है कि कृपा कर ये चुनाव आप रो है कैंडिडेट सब जा नहीं पावे तो चुनाव के बाद में भी काम आवेला अवार्ड तो आप सबने वैभव करो तो भणप्रो घर घर जा और आपने काम नहीं करना आप वोट मांगो लो छत्तीसगढ़ कामरा तन काम में होगा काले में छाछों में गयो भाई मैं तो माली कम्युनिटी आदमी माली हूँ मैं बिना मारे कहे ना आपने माली हूँ एक ही माली तो एमएलए है मैंने कही है आपने बात और वो मैं खुद ही हूँ पर माली तो काम का ही हो गया खाली सब्जियाँ काम नहीं है बगीचा सीजनल काम ही माली करेगा बगीचा लोग मालिक कौन हो गए बगीचा में टाइम पे पौधा ने खाद देना है बीज उगाना है विभिन्न किस्म का फूल पौधा लगाना है तो सुंदर लागे बगीचों बगीचा बड़ा बड़ा है नहीं है मैसूर में भी है दिल्ली में भी है राजस्थान में भी है तो बगीचा में माली कौन है माली हो गए तो हमारा काम तो राजस्थान भर में जो है छत्तीसगढ़ कौम ने साथ ले और राजस्थान ने सुंदर बनाना हो जो मैं कमी नहीं रखी छत्तीसगढ़ कौम की सेवा करी छत्तीसगढ़ कौम ने ध्यान रखियो विकास है मैंने और गुलदस्त तो पूरा अभी यहाँ बैठा उठे अब बैठे सब तरह रंगरी पगड़ियाँ पहने बैठे आप लोग वो बगीचो है और खाली एक रंगरी पगड़ी वाला बैठा हो आप खाली तो वो बगीचों नहीं दिखे अच्छो भी नहीं दिखे अलग अलग रंग वाला बैठा हो आप ठीक है ना जने सुंदर लाग रही हो भैया वो बगीचों के रूप में बैठो आप लोग वही काम मैं करी हूँ राजस्थान मैंने राजस्थान ने खूबसूरत बनाया
विकास करियो, छत्तीसगढ़ में ध्यान रखियो, इन वास्ते मैंने आप लोग बर्दाश्त करियो, पंच आज तीन बार बर्दाश्त कर लो, इन वास्ते मैं खाली कहना चाहूँगा, कोई कमी मत राख जो रतन देवा देवाली खुद ही प्रतिशत सवाल है, क्योंकि वो बहुत लंबा रवा जीती है और मजबूत रहो जड़ जीत पाए हो, चुनाव हारू घबराओ नहीं हो। अभी मदद करेगा, अभी छत्तीसगढ़ में 7 दिन चले ला हो, सब लोग ध्यान रखेला, पटेल हो, देवासी हो, सुतार हो, कुमार हो, माली हो, गुजर हो, कोई कम्युनिटी के हो, राजपूत हो, जाट हो, छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना पड़े लोकतंत्र में, दलित हो, मेघवाल हो, दलित वर्ग में कई जातियां हैं, सब लोग ध्यान रखे, वही नेता कामयाब हो सके, तो मैं दावा हासिल कह सकूँ। और भी छत्तीसगढ़ में ध्यान रखियो, और मैं राजस्थान भर में आप मुझे मौको दियो, मुख्यमंत्री रहना हो, मैं भी छत्तीसगढ़ में 7 दिन चालियो, इतो मैं आपने कह सकूँ, यही बात कहता मैं अपनी बारी बात समाप्त करूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।